हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अमेजिंग ईटरीज। और आज है संडे और संडे का मतलब होता है छोले भटूरे। बात तो जी बिल्कुल सही है, लेकिन आज जिस जगह पे मैं आया हूं वहां पे संडे का मतलब सिर्फ छोले भटूरे नहीं है, क्योंकि छोले भटूरे के अलावा यहां पे मिलते हैं छोले समोसे, छोले चावल, कढ़ी चावल, कचौरी, ब्रेड पकौड़े और लस्सी। और एक दो चीज़ और है वो अभी जाके पता करेंगे। इनके जो छोले हैं ना वो बहुत मज़ेदार है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बहुत बार पहले आ चुका हूँ, सोचा इस बार आप सब लोगों को साथ में लेके आता हूँ। मैं पहुँच गया हूँ नोएडा में सेक्टर 18, और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो है सागर छोले भटूरे वाले। तो चलते हैं और यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं, लेट्स गो। छोले पैक हो रहे हैं ना? वाह यार, ये देखो यार, छोले पैक करके दे रहे हैं और वो भी इतने अच्छे तरीके से पैक हो रहे हैं ना यहाँ पे छोले। अगर मतलब डिलीवरी के टाइम पे अगर घर पे आपके अगर छोले आ रहे हैं तो कोई चांसेस नहीं है कि वो छोले ना इधर से उधर हो जाएंगे या डब्बे से निकल जाएंगे। बढ़िया पैकिंग करके दे रहे हैं, दिखाना एक मेरे को पैकिंग दिखाना। ये देखो ऐसी आपकी ना मज़ेदार सी एकदम मतलब बिल्कुल सील पैक होके एकदम छोले आएंगे। ये बढ़िया यहाँ पे बन रहे हैं भटूरे बैक टू बैक, है ना? ये देखो, और इन्होंने देखो प्रॉपर एकदम मास्क हो गया उसके ऊपर सारी, मतलब देखो रेंज के ऊपर काम करते हैं तो ग्लव्स इतना नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी जितनी प्रोटेक्शन या जितनी मतलब सेफ्टी और हाइजीन यहाँ पे रखनी चाहिए उतनी इन्होंने रखी हुई है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मस्त गोल्डन ब्राउन से भटूरे बैक टू बैक अपने यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि भटूरों की डिमांड इनकी सबसे ज़्यादा है ना, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई थी आपको उसमें से सबसे ज़्यादा इनके बैक टू बैक भटूरे तो बनते ही रहते हैं। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक सागर छोले भटूरे पे आओ भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे अंदर देख के। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इनको हम नहीं करेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। ये देखो जी, ओ हाय हाय, ये हैं जी छोले, देख रहे हो कितने बढ़िया एकदम बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, साथ में यहाँ पे है इनके पास कचालू, ठीक है, ये गर्मा गर्म आपको जो है वो छोले मिलते रहेंगे। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं, अगर आपको छोले भटूरे अगर नहीं खाने हैं तो आप यहाँ पे कढ़ी चावल खा सकते हैं, जिसके अंदर कढ़ी के अंदर इन्होंने देखो ये पकौड़ी वाली कढ़ी है। उसके बाद ये है जी अपनी एक फेवरेट लिस्ट के अंदर मेरे जो चीज़ जो मोस्टली जो रहती है ना वो है ये चीज हो रही है राजमा, ये देखो हाँ 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 हाँ, हाय हाय, बिल्कुल ग्रेवी रस वाले राजमा जिसके साथ आप चावल ले सकते हैं। और यहाँ पे है इनकी ये मिंट चटनी, ये रहे जी समोसे, उसके बाद यहाँ पे है ये ब्रेड पकौड़े और उसके बाद कचौरी, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, मैं ना इनके ना किचन के अंदर जाके आया हूँ प्रॉपर मास्क लगा के, और उसके बाद मैंने अंदर से इनका हाइजीन स्टैंडर्ड, और आप देखें अगर आप देखोगे ना तो सारे के सारे लोग जो इनके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना बहुत ही प्यार से बात करते हैं पहली बात तो, और दूसरी बात ये है कि सब ने मतलब अपनी जो कैप जो पहनी होती है ना, जो हेयर फॉल के लिए जो कैप होती है हाइजीन का जो ध्यान रखने के लिए वो लगा रखी है। उसके बाद सब ने अपने फेस के ऊपर जो एक मास्क होते हैं वो लगा रखे हैं, ये जो प्रोटेक्टिव जो थोड़ी बहुत जो चीज़ों की जो आजकल ज़रूरत होती है ना कर रखी है। तो मेरे हिसाब से इस जगह पे सागर छोले भटूरे वाले पे हाइजीन के हिसाब से अगर बात करी जाए, अंदर जाके देख के आया था, साफ़ सफाई भी किचन के अंदर ठीक है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सब है ही, तो हाइजीन के हिसाब से तो जी मेरे हिसाब से तो ये जगह पास है। वैरायटीज़ भी इनके पास काफ़ी सारी है, मैं यहाँ पे आ जाना अंदर जाके देख के आ चुका हूँ क्या खाने वाला हूँ। मैं खाने वाला हूँ जी छोले भटूरे, जो कि स्पेशल है, दुकान के ऊपर भी इन्होंने ना स्पेशली ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल छोले भटूरे, जिसके अंदर होती है पनीर की फिलिंग। और जो छोले जो दिख रहे थे ना, आय हाय, मन कर गया जी खाने का, और उसके साथ में पियेंगे लस्सी। तो ऐसा अगर संडे अगर हो जाए ना, संडे के दिन पता है मैं क्या बताता हूँ आपको ना, बहुत ही बढ़िया रहेगा संडे के दिन, थोड़ा सा आप जल्दी उठो, ठीक है, लेट नहीं, थोड़ा जल्दी उठो 8:30 बजे, ऐसी मज़ेदार सी जगह के ऊपर आओ, फुल छोले भटूरे खाओ, एक दो गिलास लस्सी पियो, और उसके बाद वापस घर जाके सोने में जो मज़ा है ना वो मैं आज करने वाला हूँ, वही करने वाला हूँ आज मैं।
एक चीज मेरे को यहाँ की ना बहुत ही अच्छी लगी, वो कि काफी अच्छा पार्किंग स्पेस है। आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं। सभी गाड़ी में बैठे रहेंगे अपने सेफ जोन में, और आप जाके सबके लिए छोले भटूरे गाड़ी तक लेके आ सकते हैं। ये हमारे छोले भटूरे आ गए हैं जी, और मैं इनको देख के इतना खुश हो गया था कि ये भी भूल गया कि मैंने माइक ऑन नहीं किया। एनीवेज आपको मैं फिर भी बताऊंगा कि हमें कैसे लगे। ये प्लेट है, दो बड़े बड़े पीसेस हैं भटूरे के, और ये प्लेट है जी टोटल 60 रुपए की। और ये देखो छोले कितने अच्छे लग रहे हैं, गाढ़े गाढ़े से छोले हैं। साथ में यहाँ पे है जी आलू, और देखने में तो मज़ेदार लग रहे हैं, आप भी बताओ कैसे हैं। और साथ में थोड़ा सा इन्होंने ना सैलेड दिया है, और देसी वाली सी हमारी जो हरी चटनी है वो है। लस्सी का गिलास है 40 रुपए का। छोले भटूरे आप जब भी खाओ, जहाँ भी खाओ, लस्सी हमेशा कम ही पड़ जाती है। मैं तो अगर छोले भटूरे खाता हूँ तो मेरे को 2 गिलास और कभी कभी तो 3 गिलास भी लस्सी की ज़रूरत पड़ती ही है। अब अंदर से दिखाता हूँ कि ये भटूरे कैसे हैं। ये देखो वो ऊपर से तो अच्छे से, मतलब यू नो, गोल्डन ब्राउन अच्छे लग रहे हैं, और अंदर से देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छा जो है वो फर्मेंट हुआ हुआ है। और थोड़ी सी फिलिंग है पनीर की, पनीर की फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी है। अब खा के देखते हैं। भटूरे का छोटा सा पीस ले लिया है, और एक्स्ट्रा छोले डाल के जो खाने का जो मज़ा है, ऊपर डाल के थोड़ा सा आलू, ओहो भाई ये कॉम्बिनेशन जो है ना, छोले का और भटूरे का, दोनों 100 रुपए का है। आप किसी को भी अपने साथ यहाँ पे लेके आए, आप खुद भी खुश हो जाएंगे और जो आपके साथ आ रहे हैं वो भी खुश हो जाएंगे। मुझे तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत ही अच्छे लगे, लस्सी भी बड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी है, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना बेस्ट है। एनीवेज आगे हमारा माइक जो है वो सही हो गया है, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ छोले और समोसे गाढ़े गाढ़े से। यहाँ के जो है ना छोले मुझे बहुत ही अच्छे लगे, आगे देखो अभी। अरे वाह, ये हुआ है तैयार है ना। बस ये डालते हो ना? हाँ, मीठी चटनी तो नहीं डालते? नहीं, चम्मच छोले समोसे। चम्मच दे दो, चम्मच। जो चटनी के साथ होते हैं। चलो थैंक यू। तो जी यहाँ पे वैरायटीज तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन मेरी पर्सनल जो फेवरेट यहाँ की जो है ना वो दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दी, वो है जी छोले भटूरे, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है ना, वो मेरे को यहाँ से ना छोले भटूरे से भी ज़्यादा बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि छोले भटूरे तो क्या है कि जैसे मान लो आपको कभी थोड़ा सा हैवी कुछ खाना हो, और मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाना हो या लंच के टाइम पे ऐसा कुछ खाना हो, लेकिन इन दोनों के बीच में या शाम को ना 8 बजे तक ये ईटरी, शाम को 8 बजे तक ईटरी खुली रहती है, तो शाम को इवनिंग के टाइम पे अगर आपको कुछ स्नैक्स जैसी अगर चीज़ अगर खानी हो ना, मैं तो बहुत बार यहाँ पे खाता हूँ। पता है क्या चीज़ है वो? ये आइए देखिए, ये है जी आपको ना छोलों की एक बेड के अंदर है ना, वैसे दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ, नीचे है जी समोसा। ये देखो, ओए हाय, वाह जी वाह, ठीक है। छोले छोले वही वाले हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि छोले भटूरे के साथ देते हैं, ठीक है। बड़े ही अच्छे इनके छोले, और यहाँ का जो है ना, मतलब जो टेस्ट मेरे को छोले और समोसे का इसलिए अच्छा लगता है, स्पेशली ओनली बिकॉज द रीज़न इज़ कि यहाँ के जो छोलों का जो टेस्ट है ना, वो एक नंबर है, मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे। अब एक बाइट लेते हैं जी छोले की, और इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कि इन्होंने समोसा लिया, समोसा आलू वाला है, उसके ऊपर फिर उन्होंने छोले डाले, उसके बाद डाला प्याज, और उसके बाद डाली हरी चटनी, जो कि दही वाली जो चटनी होती है ना वो, तो अलग से आपको दही डालने की तो इसके अंदर ज़रूरत है ही नहीं। बस आप अपने लिए एक बढ़िया सी बाइट बनाओ, ठीक है। और जो पहली बाइट मैं जब भी छोले और समोसे खाता हूँ ना, तो पहली बाइट मैं लेता हूँ जो कि किनारे वाली जो होती है ना, जो समोसा जो होता है, जो कि क्रिस्पी सा होता है साइड में, ठीक है। आप ये देख रहे हो ये कॉर्नर वाली, ये वाली बाइट लेता हूँ, थोड़े से छोले लगाता हूँ, और थोड़े से उसके ऊपर लगाता हूँ अपना प्याज थोड़ा क्रंच के लिए, उसके बाद मैं उसको एंजॉय करता हूँ।
बहुत बढ़िया। छोले का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और दूसरी बात पता क्या है, इनके छोले खाओ और आप बस मतलब थोड़ा सा उसको बाइट कीजिए, उसको आपके मुंह में जाते ही वो बिल्कुल घुल जाएंगे। ये लो जी, हाय हाय हाय, ये रहा जी समोसे का जो नीचे का जो क्रस्ट है ना, जो कॉर्नर वाला क्रस्ट होता है, उसकी बाइट लेने का ना छोले के साथ बड़ा मज़ा आता है। ये गुलाब जामुन को क्या बोलते हैं वैसे, लंबे वाले गुलाब जामुन कुछ और बोलते हैं ना इनको तो? नहीं गुलाब जामुन नहीं बोलते, कुछ और कुछ और ही कहते हैं। मेरे को एक दो कमेंट बड़े आए थे मैंने जब इनके वीडियो डाले थे ना, उन्होंने सही बात बताई थी। बस ओवरऑल है ना आज का जो ब्रेकफास्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार गया है मेरा, क्योंकि छोले भटूरे भी ट्राई कर लिए, एक गिलास लस्सी भी पी ली, एक छोले समोसे भी खा लिए, और लास्ट के अंदर ना जाते जाते मेरी जो नज़र है ना वो चली गई थी इनके एक छोटी सी ना, मतलब उन्होंने ऊपर वो एक शेफ इन डिश जैसी रखी हुई है, यहाँ पे बैठते ना यहीं पे ऊपर उन्होंने एक, आप जो देख रहे हो बिल्कुल बीच में, ये एक छोटी सी इन्होंने ट्रे रखी है, इसके अंदर इन्होंने डाले हुए थे ये गुलाब जामुन। तो जी मैं पेमेंट दे रहा था वहाँ पे और मेरी नज़र चली गई इन गुलाब जामुन पे। तो अगर वीडियो का एंड अगर मीठे से अगर हो जाए उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है ना। हाँ 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 मतलब ओवरऑल है ना मेरे को इनकी जो जगह जो आज जो मैं आपको लेके आया हूँ वो बहुत अच्छी लगी है। आप भी आओ यहाँ के छोले भटूरे ट्राई करो, छोले समोसे ट्राई करो, मीठा खाना पसंद करते हो तो मीठा भी खा के जाओ, और हमारे चैनल अमेजिंग ईटरीज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही ना अब बढ़िया बढ़िया जगह वो भी दिल्ली की। आज का ये जो वीडियो था ग्रेटर नोएडा का, नोएडा का एक लास्ट वीडियो है, उसके बाद मैं आपको हमेशा दिल्ली में ही मिलूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। और मैं इंजॉय करता हूँ अपना इलायची वाले गुलाब जामुन, बड़ा टेस्टी तो है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।